दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक्सेल आपके लिए बोल सकता है? नहीं तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप एक्सेल को कैसे अपने लिए बुलवा सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर ये मैंने एक डेटा टाइप करके रखा हुआ है और मेरे पास यही डेटा एक पेपर में लिखा हुआ है, अब मुझे मैच करना है जो पेपर में लिखा हुआ है और जो मैंने टाइप किया है, क्या ये दोनों सही है, क्या कहीं पर किसी भी टाइप की गलती तो नहीं है, कुछ नंबर्स आगे पीछे तो नहीं हो गए या कुछ नंबर्स गलत तो नहीं हो गए। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर एक इंसान को बिठाने की जरूरत होगी जो उस पेपर में रीड करते रहेगा और आप यहाँ पर देख के चेक कर सकते हैं। तो अब आपको उस चीज़ की जरूरत नहीं होने वाली क्योंकि एक्सेल आपके लिए रीड करता रहेगा और आपको सिर्फ उस पेपर में देख के वेरीफाई करते जाना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्सेल स्पीक सेल्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक्सेल स्पीक सेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का, जिसके थ्रू आप एक्सेल से किसी भी डाटा को जैसे चाहें वैसे बुलवा सकते हैं। इस स्पीक सेल को एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना होगा फाइल ऑप्शंस, और ऑप्शंस में हम जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी क्विक एक्सेस टूल बार में सिर्फ तीन ही बटन है, यहाँ पर सेव, अंडू एंड रीडू। हम यहाँ पर और बटन ऐड कर लेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में। अब हम जाएंगे पॉपुलर कमांड्स में और यहाँ सेलेक्ट करेंगे कमांड्स नॉट इन द रिबन। वो कमांड्स जो रिबन में नहीं है, आपको इस मेन्यू को स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ हमें सर्च करना होगा स्पीक सेल्स। इसे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं स्पीक सेल्स के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वन बाय वन हम सभी को ऐड कर लेंगे। सिंपली इसे क्लिक करेंगे एंड ऐड 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 एंड ऐड। इन पाँचों ऑप्शन को हमने ऐड कर लिया है, क्लिक करेंगे ओके। तो ये पाँचों ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में आ चुके हैं। अब इन पांचों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा और पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्पीक सेल्स, क्लिक करेंगे इस पे। लास्ट नेम एडम्स, एलन, बकले, क्लार्क, ड्रेक, हैमिल्टन, हैमिल्टन, फर्स्ट नेम एलेक्स, एंड्रू, और इसे स्टॉप करके जॉर्ज, क्लिक करेंगे इस बटन पे। यहाँ हमने देखा स्टार्ट से क्या होगा, आपका पहला कॉलम स्टार्ट होगा और ये कॉलम के एक एक नाम को या एक एक एंट्री को रीड करते रहेगा। जहाँ पर लास्ट एंट्री होगी उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सेकंड कॉलम में जाएगा और अब इसे रीड करना स्टार्ट कर देगा। ये होगा विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट स्पीक सेल्स। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पीक सेल्स बाय कॉलम्स। अब अगर यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर कॉलम का ही सिर्फ रीड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ सिर्फ सिटी ही रीड हो, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे इस बटन पे। और इसे सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे स्टार्ट स्पीक सिटी Anaheim, Anaheim, Boston. करेंगे स्टॉप। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं एक एक रो को रीड करें, जैसे पहले एडम्स का रो रीड करें, देन एलन का, देन बकली का, तो हम क्लिक करेंगे इसमें और क्लिक करेंगे स्पीक सेल्स बाय रोज, अगेन प्ले। एडम्स, एलेक्स, 111 एलन एवेन्यू, एनाहाइम, सीए, 92801, एलन, Andrew, 3254 Catella Avenue, Anaheim. इस प्रकार से अब ये रीड करेगा रो वाइज ना कि कॉलम वाइज। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्पीक सेल्स ऑन एंटर, यानी जब आप एंटर प्रेस करें तब ये रीड करता रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ और एंट्रीज कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट, सेल्स विल नाउ बी स्पोकन ऑन एंटर, और अब यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं शैलेंद्रा, अरोरा, 32S कॉलोनी, दुर्ग, India, 15,465, Amar, Kumar, 145K Colony, Raper, India, 4,544. तो कुछ इस प्रकार से काम करेगा स्पीक सेल्स ऑन एंटर, यानी जब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तब तब आपके लिए एक्सेल बोलता जाएगा। तो इससे आसानी होगी, अगर आप एक पेज में देख के टाइप करते जा रहे हैं तो आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए रीड करता हुआ जाएगा और आप अपने डेटा को इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एक्सेल का स्पीक सेल्स, जो कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।